सरकार से लगभग लगभग 80-82 दिन हो चुके हैं। आज मेरा देश का अन्नदाता, मेरे पिता, मेरे भाई आज यहाँ पर पूरी सर्दी निकाल दी और अभी गर्मी की तरफ अग्रसर है और तपती हुई धूप में आज पूरा दिन धूप जैसा ही था। यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, चारों बॉर्डरों पर बैठे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सरकार इनकी बात सुन नहीं रही। हम तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं। मैं 53 ईयर्स मेरी एज है, भारतीय सेना में पूरा देश मैंने घूमा है, एक सूबेदार वीर सिंह नाम है। पहली बार ऐसी कोई सरकार देख रहे हैं कि जो वो दे रही है और जनता ले नहीं रही। कोई ऐसी, अगर मैं आपको 500 रुपये दूँ आप मना करेंगे कि 500 रुपये आपके फायदे के हैं? मतलब कोई भी चीज़ फायदे की वो दिखाई देती है और फायदे की चीज़ सरकार देना चाहती है और किसान ले नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे काले कानून ये किसानों के बिल्कुल अगेंस्ट के हैं और अपने व्यापारी मित्रों के हित के ये कानून हैं। इसलिए मैं मोदी साहब से विनती करता हूँ कि मोदी साहब जितना जल्दी हो इनको वापस ले लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अन्यथा आने वाले चुनाव में आप हाथ में कटोरा लेके मांगेंगे, आपको एक वोट नहीं डलने वाला। आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? आपको तो 2000 से भी ज्यादा दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए वन रंग वन पेंशन का, आज तक तो मिला नहीं। बिल्कुल नहीं मिला, हमें पता है, पूरा देश को पता है। ये कहते हैं कि हमने दे दिया, ये जितने सैनिक बैठे हैं सबसे दिखा दीजिए, वन रैंक पेंशन भी नहीं दिया है, टोटली एक ना का मुंह बंद किया, सिर्फ टाइम इंक्रीज दिया है। आपको पता है, आप तो पूरा कवर करते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा इतनी झूठी सरकार पहली बार, हमने बड़ा उम्मीद करी थी, रियली हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद यह जिस प्रकार की बात करते हैं, जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन वो सारी की सारी झूठी भावनाएं थी, झूठा और बनावटी चेहरा था, वो जनहित के काम नहीं है। टोटली इस देश का शोषण करने वाला पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने टोटली जो जनता का खून निचोड़ करके और उन बड़े बड़े अपने व्यापारी मित्र हैं उनको सौंपने का जो है प्लान बना रखा है। आप लगाइए, जब इसकी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, कितने करोड़ रुपए जो है ना ट्रक भर के पैसा जो है इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारा पैसे अडानी अंबानी लगाते हैं, व्यापारी मित्र हैं और उनसे उनके साथ एक समझौता है कि आप मुझे जिताने में जितना पैसा लगाएंगे उससे कई हजार गुना मैं आपको लौटा दूंगा, क्योंकि मैं मुखिया हूं देश का, जो कानून जो आप कहोगे वो कानून पास कर दूंगा। तो यही सारी चीज़ें हो रही है, पूरा देश जान चुका है इनकी हकीकत। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, कोई एक बात किसानों की आय दुगनी कहा था उन्होंने कर देंगे, वो तो हुई नहीं है। और तीन कानून, भाई देखिए, अगर किसी भी बैंक में पोस्ट ऑफिस में यदि पैसा डिपॉजिट करते हैं तो 6 साल में तो वैसे ही डबल हो जाता है। इनको 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 6 साल में अभी तक कह रहे हैं डबल कर देंगे, 6 साल में अभी तक तो हुई नहीं है। आप सोचिए ना, मैं देशवासियों से सवाल करता हूँ, जो लगातार आत्महत्या, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान का जो है ना ये हालात है, जब किसान के घर में कोई फसल पैदा होती है, कोई सब्जी पैदा होती है तो उसका रेट जमीन पा जाता है और जब किसान के हाथ से निकल जाता है तो वो जो है आसमान छूने लगता है। पहले कानून होता था जो जरूरी जो खाद्यान्न भंडारण होते थे, जमाखोरी वाला, एक खाद्यान्न का एक लिमिट में खाद्यान्न भंडारण को कर सकते थे, स्टॉक कर सकते थे। कानून कुछ ऐसा था कि उनको पर सजा भी होती थी, छापे भी पड़ते थे, उसके बावजूद भी व्यापारी इतनी बदमाशी कर लेते थे कि फिर भी भंडारण कर लेते थे। और अब तो मोदी साहब ने टोटल बेड़ियां खोल दी, टोटल कानून पास कर दिया जी, उसको अमलीजामा पहना दिया जी, ये सब जायज है। तो ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार, कमाल हो गया यार ऐसे। मगर उनका तो कहना है ये कानून आगे चल के किसानों के फायदा होंगे। एक तो सपना दिखाया जाता है ना दिन में, एक तो रात को सपना होता है, एक दिन में सपना दिखाने वाले हैं ये मोदी साहब। जागते हुए व्यक्ति को भी सपना दिखा देते हैं, गंजे को कंघी बेचने वाले ये लोग हैं ये। मतलब गंजे को कंघी कोई नहीं बेच सकता, उसके बाल ही नहीं होते, ये तो गंजे को भी कंघी मतलब बेचने वाले लोग हैं। इतने जबरदस्त झूठे, ऐसे झूठे, अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई कंपटीशन हो झूठे झूठ बोलने का तो शायद ये सरकार कई हजार किलोमीटर पहले आएगी, अव्वल आएगी। कमाल की बात है, आप इतने झूठे। अरे पहले आदमी झूठ बोलता था तो मर जाते थे, आज बुखार भी नहीं होता ऐसे झूठे दलालों को। आप इतना झूठ बोलते हैं, जनता को इतना मूर्ख बनाते हैं, बड़ी लज्जा आती है हमें। हम फौजी हैं, हम तो कहते हैं ना हमारी गर्दन जाए लेकिन हमारी जुबान ना जाए, जुबान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आपको लगता है कि मोदी जी मन की बात तो करते हैं, किसानों की मन की बात भी करेंगे? वो मन की बात करते हैं व्यापारियों की, वो करते हैं अपने जितने बड़े बड़े धंधा सेठ उनकी, ये किसानों की मन की बात नहीं है, ये तो सिर्फ उनसे धन की बात करते हैं, इनसे मन की बात करते हैं। मन की बात को भी मतलब सोच करके कोई अमल करे तो समझ में आता है,
तो कुल मिलाकर के टोटली बहुत बड़ा ढोंग है इस देश को लूटने का, जो ने जाति में धर्म में मजहब में देश को तोड़ दिया। अरे हमारे हमें तो पीड़ा होती साहब, आज जो देश में अफरा तफरी का माहौल है, मैं राजपूत हूँ, राजपूत हिंदू हूँ, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आज से 32 साल 34 साल पहले हम समाज को छोड़ के गए थे, एक भाईचारा छोड़ के गए थे देश की सीमाओं पर, वो भाईचारा नहीं बचा। और पिछले 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि अरे बचा लो नहीं तो मार डालेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसा भय का माहौल क्रिएट कर दिया देश के अंदर। पता नहीं कब चिंगारी लग जाए और कब देश में दंगे हो जाए। इन मैं क्या कहूँ साहब, मेरे मुंह से तो बस ऐसे शब्द निकलते हैं इनके प्रति। हे भगवान, अगर आप कहीं सुन रहे हो तो इनको कोई भी जब कोई भी कानून बनता है तो उसके विरोध में लोग कहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि समर्थन में भी लोग रैलियां निकाल। बिल्कुल समर्थन में कमाल की बात है, आपने पास कर दिया तो आपने हिसाब तो अच्छा पास किया, तो उसके समर्थन में रैली क्यों निकली? उस समर्थन में जो रैली निकाल रहे ना, ये तो इतिहास रहा है। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों की भी दलाली हिंदुस्तानी करते थे, तो दलाल के घर में दलाल होता है, सत्ता पक्ष के साथ में जो उसकी पैरवी करता है वो दलाल की औलाद है। कान खोल के सुन ले देश के दलाल, जो भड़वे हैं, जो सत्ता पक्ष का जो साथ दे रहे हो, वो एक नंबर के हराम ज्यादे दलाल हैं। दलाल सुबेदार चौहान मेरा नाम है। अगर मीडिया के बारे में क्या कहेंगे, आज इस तरह से देश की मीडिया जो है अपनी जो चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, क्या अपनी वो भूमिका निभा? देखिए जिस प्रकार से पूरा देश जो हमारा मीडिया है वो चौथा स्तंभ उसका सम्मान करता था, और जब भी कोई सरकार गलत काम करती थी तो जो हमारा चौथा स्तंभ होता था वो उसको गलत काम को रोकने की क्षमता वो मीडिया में होती थी। आज इतनी दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है इस मीडिया को, तो मैं कहता हूँ शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। ये दलालों की औलाद है साहब, मीडिया में बैठे हुए ये हरामजादे अपने बाप की औलाद तो नहीं हो सकते साहब। ये हेरे गहरे बाप के ये शब्द मुझे यूज करने पड़ रहे हैं, मैं नहीं करता, मैं भी सूबेदार रैंक से रिटायर हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है ये बीडिया वाले भड़वे ये एक बाप के औलाद नहीं हो सकते। मैं चैलेंज करता हूँ इनका डीएनए चेक करवा ले, जितने भी मीडिया में बैठे हुए दल्ले हैं, ये दल्ले जो है इतने, मैं क्या कहूँ, इन्होंने अपनी गरिमा को खो दिया। कुछ पत्रकार हैं जो सही बात रखते हैं, मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को। कहते ना कि इस देश में अकल नहीं पड़ता। अगर आप मानते हैं कि वो आपकी बात नहीं करती है जो मीडिया, तो आप उसको देखना छोड़ दीजिए। हमने तो छोड़ ही रखा है साहब, मैं बैठ के उन्हीं चैनलों साहब हमने तो छोड़ रखा है, लेकिन कुछ बेचारे भोले भाले लोग हैं जो आज भी टीवी खोल के बैठ जाते हैं, टीवी खोल के सिर्फ आज तक फलाना देख, उनको दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया कि यही खबर है, इसके अलावा कोई खबर ही नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि इसके अलावा कोई खबर ही नहीं है। सोशल मीडिया को हमारा सलूट है, आप जैसे जो छोटे हमारे भाई हैं जिन्होंने बिल्कुल सच्ची निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ ये पूरा जो ग्राउंड जीरो पर आकर के आप लोगों ने सच्चाई बयां करवाई, हमारे विचार पूरे जन जन तक पहुंचाए। मैं माफ़ी चाहता हूं मेरे मुंह से कोई ऐसी वाणी निकल गई हो, बहुत अंदर की भावनाएं भरी हुई थी वो निकली हैं, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई। पुलवामा के शहीद हुए जो शहादत पाए हैं उनके लिए आप क्या आज के दिन मैसेज? देखिए मैं उन परिवारों को के प्रति संवेदना व्यक्त कर सकता हूँ, बाकी वो परिवार जो है ऐसी दुख की घड़ी में है, उन परिवारों का छोटे छोटे मतलब छोटे उनके बच्चों के छोटे छोटे पीस बना दिए गए। ये सारी कुर्सी की हवस थी साहब, ये बहुत ऊपर वाला जानता है, आत्मा बोल देती है, आत्मा से परमात्मा, मैंने यहाँ बात रखी, पूरा देश जान चुका है ये वो बलि के बकरे बनाए गए। उन बच्चों की बलि जो हमारे सैनिक 44 CRPF के थे उनकी बलि चढ़ाई गई है कुर्सी को पाने के लिए, और ये उसी का पाप है। मैंने 2 साल पहले कह दिया था कि ये पाप क्या है और ये पाप फूटेगा एक दिन। आज दिल्ली के चारों तरफ आपको घेर के ये किसान बैठे हैं, ये उनका पाप फूट रहा है, और ये पाप ऐसा फूटेगा कि वक्त आएगा, मैं कहता हूँ वक्त आएगा, ये जनता दौड़ा दौड़ा ऐसे गद्दारों को छुपने नहीं देगी। ये जनता है साहब, ये ऊपर वाला है, ये न्याय करेगा, मुझे पूरा यकीन है। जो तुमने उन शरीफ बच्चों की, अरे जिनको ये तक, अरे वो लड़के मरते तो उनको ये लगता है, अरे काश मैं देश के लिए लड़ते मरा, और उनको बिचारों को जो ना आपने बलि का बकरा बना दिया, उनको पता ही नहीं चला कि हम कैसे क्या चले गए। तो ये बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि इनको इसका सबक मिलेगा, 100% मिलेगा। वही कारण है आज पूरा देश जाग चुका है इनके खिलाफत में, क्योंकि उनका जो पाप ना पाप, वो पाप जब उठता ना तो जनता दौड़ा दौड़ा मारती है गद्दारों को। ये गद्दार हैं, इन्होंने किसान गरीब मजदूर के बेटों की बलि चढ़ाई है साहब, बलि चढ़ाई है, मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे पीड़ा लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैं गाजीपुर से था और इन्होंने अपनी बात रखी है। बने रहिए इस तरह के न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त।